फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो पार्ट टू वीडियो है, जिसमें मैं आपको डिजाइनर किड्स पार्टी वेयर गाउन का डिजाइनिंग पैटर्न एक्सप्लेन करूंगी और साथ में टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे हम बच्चों के लिए लाइट वेट, इजी गोइंग और बिना चुभने वाले डिजाइनर कपड़े बनवा सकते हैं। पार्ट वन वीडियो में मैंने बहुत ही स्टाइलिश और प्रिटी डिजाइनर किड्स रफल क्रॉप टॉप और लहंगे का पैटर्न एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बाद में आप जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये पार्टी वेयर फुल लेंथ गाउन जो मैंने अपनी डॉटर के लिए डिजाइन किया है। इस गाउन का मेन फैब्रिक एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक का है, पर इस पर ये जो वर्क है ये बहुत ही बारीक थ्रेड वर्क हो रहा है और इस पे जो ये सीक्वेंस है बहुत ही लाइट वेट वाले सीक्वेंस लगे हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। तो ये जो फैब्रिक है ये भी बहुत लाइट वेट फैब्रिक है। इसके नीचे मैंने सैटन की लाइनिंग दी है। नेट में से सी थ्रू होता है तो मुझे चाहिए था कि थोड़ी सी शाइन आए, तो मैंने इसलिए सैटन की लाइनिंग दी है। और सैटन लाइनिंग के नीचे मैंने ये कॉटन की लाइनिंग दी है, सिंपल कॉटन की लाइनिंग दी है, और उसके ऊपर मैंने ये कैन लगाया है। तो ये जो कैन है वो बहुत ही पतली क्वालिटी वाला, हल्की क्वालिटी वाला कैन है, तो इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है और ये ज़्यादा चुभने वाला भी नहीं है। और इसको मैंने इस कॉटन लाइनिंग के बॉटम पार्ट से इतना सा लगाया है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाया है, तो इसकी वजह से गाउन में वेट ऐड नहीं हुआ है। कैन इसलिए लगाया है क्योंकि गाउन में जब तक थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड ना हो तब तक गाउन का उतना ग्रेसफुल लुक नहीं आता है, फिर वो बहुत फ्लैट लुक देता है। तो टिप नंबर 4 ये है कि अगर आपको किड्स के आउटफिट में कैन यूज करना है तो आप पतली क्वालिटी वाला कैन यूज करिए और कम क्वांटिटी में यूज करिए। और अगर आपको एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यूज करना है तो आप ऐसा फैब्रिक यूज करिए जो लाइट वेट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हो और उसमें चुभने जैसा कोई एलिमेंट न हो। पार्ट वन वीडियो में फर्स्ट 3 टिप्स दिए थे मैंने, तो एक क्विक रिकैप देखते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो टिप नंबर 1 ये है कि आउटफिट का डिजाइन ऐसा सेलेक्ट करें जो इजी टू कैरी हो किड्स के लिए। तो टिप नंबर 2 ये है कि फैब्रिक लाइट वेट का सेलेक्ट करें, कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला फैब्रिक अवॉइड करें, लाइनिंग्स भी सिंपल एंड सॉफ्ट मटेरियल की यूज करें और अगर कोई बॉर्डर लगाना है तो वो भी लाइट वेट का सेलेक्ट करें। तो टिप नंबर 3 ये है कि आउटफिट्स का पैटर्न सिंपल ही रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बच्चे कैरी नहीं कर पाएंगे, वो शायद उनमें उलझकर गिर सकते हैं या फिर वो अनइजी फील करेंगे उन पैटर्न्स में। और अननेसेसरी लेस, टैसल्स, पाइपिंग एक्सेट्रा लगाना अवॉइड करिए क्योंकि वो बच्चों को स्किन में चुभ सकते हैं और वो हेवीनेस भी ऐड कर सकते हैं आउटफिट में। इस गाउन का जो ये योक पार्ट है तो वेस्ट पर यहाँ पे ये सैटिन की पट्टी दी है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर, तो ये एक बेल्ट जैसा लुक दे रही है। तो और ये जो नेकलाइन वाला पार्ट है तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ऐसा नेट दिया है एक ट्रांजी लुक के लिए, तो एक ये बहुत स्टाइलिश सा योक क्रिएट हो गया है। और फिनिशिंग सैटिन फैब्रिक से ही की है तो ये काफी सॉफ्ट है सैटिन फैब्रिक, तो ये आर्म होल पे भी दी है और फ्रंट एंड बैक नेकलाइन दोनों सब जगह पे ये इस सैटिन से ही फिनिशिंग दी है, तो ये स्किन में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा बच्चों के। बैक साइड पर हुक एंड आई दिए हैं और शो के लिए ये पर्ल बटन्स लगाए हैं, तो बैक भी बहुत प्रिटी लग रही है इस गाउन की। और साइड में कंसील चेन भी दी है और वो इसलिए क्योंकि ये जो योक वाला पार्ट है वो फिटेड है वेस्ट से, तो बच्चा इजिली एंटर हो पाए इसलिए हुक आई भी दिए हैं और साथ में यहाँ कंसील चेन भी दी है। तो टिप नंबर 5 ये है कि अगर आपको बच्चों के आउटफिट में कहीं पर पाइपिंग देनी है तो आप कोई सॉफ्ट फैब्रिक की ही पाइपिंग दे, न कि वो रेडीमेड वाली जो जरी की गोल्ड एंड सिल्वर वाली पाइपिंग आती है वो न दे क्योंकि वो ऑब्वियसली स्किन में चुभती है। अब इस गाउन का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैंने क्रिएट किया है और वो है ये फ्लावर्स। ये फ्लावर्स इस फैब्रिक में नहीं आए थे। एक्चुअली मुझे एक ऐसा फैब्रिक चाहिए था जिसमें बॉटम में यहाँ पे फ्लावर्स हो, पर मुझे वो नहीं मिला और मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी था, तो इस वजह से मैं ज्यादा शॉप्स पर सर्च भी नहीं कर पाई थी। फिर मेरे डिजाइनर दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कुछ फ्लावर्स या फ्लावर वाली लेस सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे ये वाली लेस मिली। तो ये लेस कैसी थी कि जो सारे फ्लावर्स थे ये कनेक्टेड थे, मतलब ये पूरी एक सिंगल लेस थी फ्लावर वाली। तो मैंने हर एक फ्लावर को कट किया और फिर इंडिविजुअली पूरे इस गाउन में यहाँ बॉटम वाले पार्ट में पूरा स्टिच किया। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया और मेरी डिजाइनिंग स्किल्स? और वेस्ट में ये जो फ्लावर्स हैं ये दोनों ब्रोचेस हैं, तो ये मैंने ऊपर से बस इसमें ये पिन है तो मैंने इसमें लगाया हुआ है,
तो मैं चाहूँ तो इन्हें निकाल भी सकती हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ और ऐड करना है तो वो कर सकती हूँ। तो जितने भी एलिमेंट्स मैंने इस पार्टी वेयर गाउन में यूज किए हैं सब लाइट वेट है और इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल है। ये अम्ब्रेला पैटर्न में गाउन है और बस बाउंसी लुक के लिए मैंने यहाँ वेस्ट में ये गैदर्स दिए हैं फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर। है ना एकदम प्रिंसेस जैसा गाउन, और ये मेरी डॉटर का फेवरेट है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. So friends, फीडबैक में बताइए कि कैसे लगे मेरे टिप्स और ये किड्स आउटफिट। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाए। बाय बाय एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट।